नमस्कार दोस्तों, डीके थ्रीडीएम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइन और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में हर तरह की जानकारी चैनल पर लाने की कोशिश करता हूँ। तो 30 फीट बाय 50 फीट का एक छोटा सा प्लान है जो आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। काफ़ी बड़े और बेहतरीन सा प्लान है, हो सकता है आपको आपके प्लान के लिए या आपके घर के लिए इस वीडियो से कुछ जानकारी मिले, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए, शॉर्ट में समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ ताकि डायमेंशन जो है आपको और भी क्लियर नज़र आए। वैसे तो प्लॉट का साइज़ जो है 29 फीट बाय 51 फीट है, लेकिन 30 फीट बाय 50 फीट इसे हम समझ लेते हैं, क्योंकि एक फीट से यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक फीट हम वेट बढ़ा सकते हैं और इस साइड से लेंथ जो है कम भी कर सकते हैं। तो 30 फीट बाय 50 फीट जो है ये रेगुलर प्लॉट साइज़ है, इसलिए 30 फीट बाय 50 फीट हम इसे समझ लेते हैं और उसी के हिसाब से ये पूरा प्लान देखेंगे। तो 30 फीट बाय 50 फीट का ये हाउस प्लान है, और जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन गेट है, और यहाँ पर भी एक गेट बताया था कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आप चाहें तो ये कैंसिल भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस गेट से हम जैसे ही एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हमको पार्किंग के लिए स्पेस मिलता है। तो यहाँ पर जो है कार पार्किंग है, लगभग 8 फीट बाय 15 फीट 6 इंच का इसका कार पार्किंग का साइज़ मिलता है, मतलब लगभग 8 फीट बाय 15 फीट 6 इंच का। उसके बाद में यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्पेस मिलता है, लगभग 17 फीट 8 इंच बाय 10 फीट 9 इंच का है। ये पूरा कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया था, तो उनको जो है यहाँ पर छोटा सा शॉप के लिए जगह छोड़ना था, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप पूरा का पूरा गार्डन भी बना सकते हैं, या तो बाइक वगैरह पार्किंग के लिए भी जगह यूज़ कर सकते हैं, या तो हम हमारे हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। राइट साइड में आप देखेंगे तो 4 फीट 8 इंच का ही पैसेज छोड़ा गया है वेंटिलेशन के हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेज पर के इस वरांडे पर हम पहुँचते हैं, यहाँ से हम एंट्री करने वाले हमारे इस लिविंग रूम में, जिसका साइज़ है 11 फीट 6 इंच बाय 14 फीट का है, मतलब 11 फीट 6 इंच बाय 14 फीट का यहाँ पर लिविंग रूम का साइज़ मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो विंडोज़ बताए गए हैं, तो दो विंडोज़ की वजह से वेंटिलेशन जो है काफ़ी बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पर स्टेयरकेस बताया गया है, यहाँ पर एक डोर रहेगा, ये जो डोर रहेगा स्टेयरकेस यूज़ करने के लिए रहेगा। और यहाँ से हम एंट्री करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है और यहाँ से हम यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पहुँच जाते हैं। मतलब अंदर से हमको स्टेयरकेस यूज़ करना है तो ये डोर यूज़ करेंगे, लेकिन बाहर से हमको स्टेयरकेस यूज़ करना है, मतलब ऊपर वाली फैमिली अगर आपको किराए के हिसाब से देना हो या तो दूसरी फैमिली को यूज़ करना हो ऊपर का फ्लोर, तो उनका आना जाना जो रहेगा इस 4 फीट 8 इंच का जो पैसेज छोड़ा गया है 4 फीट 8 इंच का, यहाँ से होगा। और इस लैंडिंग के नीचे से यहाँ पर एंट्री करेंगे और यहाँ से ऊपर चल जाएंगे, ठीक है। तो उनका आना जाना जो इस साइड से रहेगा, तो यहाँ पर हमारे नीचे वाली फैमिली को जो है कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक डोर रहेगा, ये जो डोर रहेगा वो हमेशा क्लोज रहेगा, ठीक है। जब हमको इस्तेमाल करना है स्टेयरकेस ऊपर जाना है तो ये डोर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको टॉयलेट बाथरूम नज़र आ जाएगा, जिसका साइज़ है कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, 6 फीट बाय 4 फीट का बाथरूम और 4 फीट बाय 3 फीट 6 इंच का टॉयलेट है, मतलब ये कॉमन साइज़ है। उनके पीछे यहाँ पर एक ओपन डक्ट रखा गया है वेंटिलेशन के हिसाब से, क्योंकि इस साइड में जो है दूसरों का प्लॉट है, इसलिए 7 फीट बाय 2.5 फीट का यहाँ से यहाँ तक 2.5 फीट है और यहाँ पर 7 फीट है, ठीक है। तो 2.5 फीट बाय 7 फीट का यहाँ पर एक ओटीएस रखा गया है, ये ओपन डोर स्क्वायर रहेगा वेंटिलेशन के हिसाब से। यहाँ पर हमारे टॉयलेट बाथरूम के पाइप जो है वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी ऊपर मंजिल जाएगी ये पूरा ओटीएस ही रहेगा, ये पूरा ओपन ही रहेगा। यहाँ से हमारे टॉयलेट बाथरूम के जो आउटलेट के पाइप्स है ये भी यहाँ से हम नीचे ले जा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट साइड में यहाँ पर एक बेडरूम है, 11 फीट बाय 11 फीट का यहाँ पर बेडरूम का साइज़ बताया गया है, मतलब 11 फीट बाय 11 फीट का। और ये जो बेडरूम है, इस बेडरूम को यहाँ पर फ्रंट साइड में एक विंडो बताया है, तो यहाँ से इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बेडरूम की जगह हम किचन भी, अगर आपको चाहे तो आप किचन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पर स्टोर रूम बताया गया है, लगभग 7 फीट बाय 5 फीट का स्टोर रूम का साइज़ बताया गया है। उसके बाद में राइट साइड में आते हैं देखिए, यहाँ पर हमको किचन मिलता है, लगभग 10.5 फीट बाय 10 फीट का किचन का साइज़ मिलता है, और ये स्टोर रूम जो है एक्स्ट्रा मिलता है। स्टोर रूम अगर हमको कैंसिल करना है तो किचन का साइज़ हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर किचन को एक डोर बताया है इस वाशरिया को यूज़ करने के लिए, यहाँ पर पूरा का पूरा जो है वाशरिया छोड़ा गया है, तो ये वाशरिया जो है यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे साइड की जगह भी हम इस किचन के डोर से ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा 2.5 फीट का पैसेज छोड़ा गया है वेंटिलेशन के हिसाब से। ये मास्टर बेडरूम को यहाँ से वेंटिलेशन मिलेगा और ये अटैच टॉयलेट बाथरूम को वेंटिलेशन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर किचन को दो विंडोज़ बताए गए हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद में ये जो मास्टर बेडरूम है इसको यहाँ पर डोर रहेगा, और मास्टर बेडरूम का साइज़ हमको मिलता है लगभग 12 फीट बाय 10 फीट 6 इंच का है, मतलब 12 फीट बाय 10.5 फीट का। और ये मास्टर बेडरूम है, इसको एक अटैच टॉयलेट बाथरूम भी दिया गया है जो अंदर से यूज़ होगा, और इसको वेंटिलेशन यहाँ पर मिलेगा, और ये बेडरूम को वेंटिलेशन यहाँ से मिलेगा। इस बेडरूम को यहाँ पर भी एक वर्टिकल विंडो हम लगा सकते हैं, यहाँ पर जो डक्ट रखा गया है यहाँ से, तो दो विंडोज़ की वजह से वेंटिलेशन जो है काफ़ी बढ़िया रहेगा।
और ये जो एयर सर्कुलेशन जो है अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं लगभग 30 फीट बाय 50 फीट का ये पूरा प्लॉट का साइज़ है, और ये पूरा प्लान जो हमने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया था। तो अगर आप चाहे तो ये किचन की जगह बेडरूम बना सकते हैं और इसको भी किचन बना सकते हैं, ठीक है, या तो फिर ये जो मास्टर बेडरूम है इसको भी किचन बना सकते हैं और इधर बेडरूम बना सकते हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से आप इसे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 30 फीट बाय 50 फीट का ये अगर आपका प्लॉट का साइज़ है, मतलब 30 फीट बाय 50 फीट का, मतलब 1500 स्क्वायर फुट का, तो इस टाइप में ये प्लान आप बिठा सकते हैं और इसमें नॉर्मल आपके हिसाब से आप चेंजेस भी करवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का ये जो 30 फीट बाय 50 फीट का हाउस प्लान है, 2 BHK हाउस प्लान है, ये आपको डिटेल में समझ में और पसंद भी आया है। अगर आपको ये प्लान पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फ़ायदा हो सकता है, किसी को कुछ आइडियाज आ सकती है उनके प्लान के लिए, उनके घर के लिए, तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।